अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट बनने वाली पास्ते की रेसिपी। इस पास्ता को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 10 मिनट में ये पास्ता बनके तैयार होगा। तो चलिए पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कुकर में लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, एक मीडियम साइज़ का लंबा कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ अच्छे से फ्राई हो चुके, अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की टमेटो प्यूरी और उसी के साथ इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। कुकर का ढक्कन बस ढककर इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे। सीटी नहीं लगाना है, बस इसे ऊपर से ढककर ही पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पास्ता। पास्ते को मैंने बॉईल नहीं किया है, ये कच्चा पास्ता है। 2 कप पास्ता मैंने इसमें डाल दिया है। उसी के साथ इसमें डालेंगे 2 कप पानी। जितना आपने पास्ता लिया है उतनी क्वांटिटी में इसमें पानी डाल दें। और इसमें डाल देंगे 2 पाउच मैगी मसाला और उसी के साथ इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पे 2 सीटी ले लेंगे। प्रेशर कुकर में 2 सीटी हो चुकी है। यह हमारा पास्ता बनके तैयार है। 2 सीटी के बाद कुकर को ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद पास्ते को सर्व करें। पास्ता बिल्कुल भी नहीं टूटा है। इस तरीके से आप पास्ता बनाएं, बहुत ही जल्दी पास्ता बनकर तैयार है। आप भी इस पास्ता की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। ट्राई कर मुझे कमेंट करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।